तमाम दोस्तों को जावेद इकबाल की तरफ से, अल मुअज़्ज़म इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पैनल चेंज करेंगे। वैसे तो दोस्तों, पैनल चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस पीस का आज मैं पैनल चेंज करने लगा हूँ, इसकी वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दोस्त इस पैनल को चेंज करते ही तोड़ लेते हैं। उसकी वजह क्या है वो दोस्तों वीडियो में बताऊँगा मैं, इंशाल्लाह ताला दोस्तों की रहनुमाई होगी। तो आए दोस्तों, देखते जी हैं। दोस्तों, ये मेरे पास एक चंग होंग रूबा की एलसीडी आई है, जिसका पैनल टूटा हुआ है। ये मैंने इसको सप्लाई दी है। ये देखें दोस्तों, इसका पैनल टूटा हुआ है। ये चंग होंग रूबा का पीस है और इसका पैनल टूटा हुआ है। तो आए दोस्तों, सबसे पहले एलसीडी को खोलते हैं हम। जी दोस्तों, ये एलसीडी खुल गई है मेरे पास, चेंग होंग रूबा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अक्सर दोस्त इसका पैनल तोड़ लेते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दोस्तों ये है कि जो हमारी जितनी भी एलईडीज हैं, उनका फ्रंट खुलता है, लेकिन चेंग होंग रूबा वाहद पीस है जिसका बैक से पैनल हम उठाते हैं। जैसे दोस्तों ये देखें, मैंने पेज सारे खोल दिए हैं इसके ऊपर से। ये देखें दोस्तों, इसकी बैक उठाएँगे हम। ये पैनल टूटा हुआ है, इसकी पट्टी निकालेंगे हम। ये दोस्तों पट्टी नीचे आ गई इसकी, और इसका ये दोस्तों हम बैक उठाएंगे इसकी। ये दोस्तों बैक उठाई मैंने, ये बैक उठाइए। ये दोस्तों इसका पैनल नीचे होता है। ये पैनल नीचे होने की वजह से बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं दोस्तों, जो नहीं जानते कि चेंग होंग रूबा का पैनल नीचे होता है, जिसकी वजह से दोस्तों वो पैनल को तोड़ लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, फिर समझ लें कि इसका पैनल जो है वो नीचे होता है, इसकी हमें बैक उठानी पड़ती है। बाकी जितनी भी एलईडीज हैं, उनका हम ये फ्रंट खोलते हैं आगे से। ये मैं इसके पेपर उठाता हूँ, ये पेपर उठाए हमने। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी पैनल ऊपर नहीं आएगा इसका। दोस्तों हमें क्लंप उतारने पड़ेंगे, ये क्लंप लगे हुए हैं, ये क्लंप उतारेंगे फिर पैनल ऊपर आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों तरीक़ेकार था चेंग होंग रूबा का पैनल खोलने के लिए। जी दोस्तों, हम नए से पैनल लगाते हैं इस पे। ये दोस्तों, यहाँ पे पैनल रखने से पहले आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि ये पीस हमने बैक से खोला है, इसका मतलब ये पैनल उल्टा आएगा हमारा, सीधा नहीं आएगा, क्योंकि चेंग होंग रूबा जो है ये बैक से खुलती है। पहले बता चुका हूँ दोस्तों को मैं। ये दोस्तों हमारा पैनल कंप्लीट फिटिंग में आ गया। ये दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपने क्या ख्याल करना है कि इसके को फाइसी जो हैं ये फिटिंग में मुकम्मल हैं। ये देखें, 1 2 3 4, चार को पैनल है ये, और बिल्कुल फिटिंग में पूरे हैं। और पैनल हमारा, अगर साइड कोफ आए दोस्तों इसमें, तो उसमें भी आपने देखना है कि साइड कोफ आपके सही आए हैं, ताकि पैनल में कोई नुकसान ना हो। तो ये दोस्तों पैनल हमारा लग गया है। सबसे पहले दोस्तों हमने इसकी हॉरिजॉन्टल पट्टी लगानी है, क्योंकि ये पट्टी ऊपर आती है और वर्टिकल पट्टी इसके ऊपर आएगी, फिटिंग जो इसकी बनी हुई है। तो ये दोस्तों हम सबसे पहले इसकी हॉरिजॉन्टल पट्टी लगाएंगे। उसके बाद दूसरी पट्टी हॉरिजॉन्टल लगाएंगे हम इसकी।
कहीं भी दोस्तों ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पैनल के साथ, अगर फिटिंग नहीं हो रही तो आपने दोबारा से देखना है कि इसकी फिटिंग क्यों नहीं हो रही। बिल्कुल प्यार से बैठना चाहिए इसको, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पैनल के साथ ताकि कोई नुकसान ना हो हमारा। बड़े प्यार से बैठ गई है। इसके बाद दोस्तों हम इसकी वर्टिकल पट्टी लगाएंगे। पेपर भी दोस्तों इसके वैसे ही उल्ट आएंगे जैसे हमने खोले थे। अब हम इस पे इसकी बैक रखेंगे, उल्ट बैक। ये दोस्तों इसकी बैक है। बैक दोस्तों जब रखेंगे हम तो पैनल की जो पट्टी है उसको ख़ास ख्याल रखना है कि कोई दब शब ना आए, क्योंकि कोफ आईसी जो हैं हमारे बहुत नाजुक होते हैं। ऊपर से मैंने फिट किया दोस्तों पहले इसको, अब हम इसको नीचे से बिठाएंगे और नीचे से बिठाने के बाद हम इसको पेच करेंगे। दोस्तों साथ साथ इसको पेच लगाते जाते हैं हम, और पीस को हम सीधा करके देखते हैं हमारा पीस क्या रिज़ल्ट देता है हमें। ये देखें दोस्तों पैनल हमारा बिल्कुल सीधा और क्लियर चल गया है। जी दोस्तों आप देख सकते हैं पैनल हमारा बिल्कुल क्लियर और सीधा चल गया है। ये दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों पैनल हमारा बिल्कुल क्लियर और सीधा पैनल चल गया है और बिना किसी नुकसान के दोस्तों। जी दोस्तों तो आपने देखा चेंग होंग रूबा का पैनल मैंने कैसे चेंज किया। दोस्तों ये एलईडी मेरे पास आई तो कस्टमर ने हमें बताया कि इसके लैंप बंद हो गए थे, एलईडीज बंद हो गई थी, बल्ब बंद हो गए थे। अगले दिन जब वो एलसीडी लेने के लिए गया तो उसे पता चला जी उसका पैनल टूटा हुआ है। तो उसकी वजह दोस्तों यही है कि चेंग होंग रूबा जो है इसका खोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। दूसरी एलईडी जो हैं वो फ्रंट से खुलती हैं, चेंग होंग रूबा जो है ये बैक से खुलती है। तो नुकसान हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन काम को समझना सीखना ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट वीडियो के लिए जावेद इकबाल को इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।